हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सट्राइड योर नॉलेज। आज हम कवर करेंगे 26 और 27 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। चलो फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन रैंक एज द वर्ल्ड मोस्ट लाइवेबल सिटी इन द रिपोर्ट ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है? दिल्ली, मुंबई, वेना, ऑकलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेना। वेना रिप्लेस न्यूजीलैंड ऑकलैंड सिटी एज द मोस्ट लाइवेबल सिटी। तो वेना ने रिप्लेस कर दिया है न्यूजीलैंड की ऑकलैंड सिटी को। अब वेना बन गई है मोस्ट लाइवेबल सिटी। दिल्ली इज रैंक 140th, वाइल मुंबई गॉट 141 रैंक। तो दिल्ली का रैंक आया है 140 और मुंबई का 141। सीरियन कैपिटल डामास्कस रैंक एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। तो सबसे नीचे है सीरिया की कैपिटल डामास्कस। ग्लोबल लाइवेबिलिटी रैंकिंग इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो ग्लोबल लाइवेबिलिटी रैंकिंग इसे पब्लिश कौन करता है? तो ये करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी विल होस्ट द 2023 मीटिंग ऑफ द G20 एंड इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमिक्स। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था के प्रभावशाली समूह G20 की 2023 बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? राजस्थान, पुडुचेरी, नागालैंड, जेएनके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेएनके। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल वाज अपॉइंटेड एज इंडिया शेरपा फॉर द G20 इन सितंबर 2021। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल MSME अवार्ड 2022। MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओडिशा। इट हैज़ बीन अवार्डेड इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट्स यूटीज फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर। तो ये अवार्ड किसे दिया जाता है जिसने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दी हो? किसमें? MSME। तो सेकेंड नंबर पे रहा है बिहार, थर्ड पे हरियाणा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द 27th चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस SC शर्मा, जस्टिस विपिन संघी, जस्टिस SS शिंदे, जस्टिस अमजद एहतशाम साइद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जस्टिस अमजद एहतशाम साइद। ही वॉज एडमिनिस्ट्रेटर द ऑथ ऑफ ऑफिस बाय गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिकर एट राजभवन। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिकर ने राजभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के CM हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर मैंने अभी बताया राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिकर। कैपिटल है, समर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश फाउंड कब हुआ था? ये हुआ था 25 जनवरी 1971 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश गोलचा, SK सिंगल, दिनकर गुप्ता, KV राजेंद्र नाथ रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिनकर गुप्ता। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी हैज़ बीन अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ गुप्ता एज द NIA चीफ टिल March 31, 2024। तो उन्होंने अप्रूव कब तक किया है? 31 मार्च 2024 तक अप्रूव किया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट हैज़ बीन इनोग्रेटेड। तो हाल ही में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, गुड़गांव, न्यू दिल्ली, श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यू दिल्ली। प्रहलाद सिंह पटेल हैज़ इनोग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट। द थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस इज द फ्यूचर ऑफ सुपर फूड फॉर इंडिया इन न्यू दिल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री टॉप द रिलीज फीफा रैंकिंग 2022। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इंडिया, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेल्जियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के न्यू सीईओ कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी, परमेश वरण आयर, सुमन वैरी, आलोक चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परम सवरण आयर। नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी और वाइस चेयरपर्सन हैं सुमन वैरी। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। परम सवरण आयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग फॉर 2 ईयर्स। तो 2 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ नीति आयोग। ही विल रिप्लेस अमिताभ कांत। उस दिन इन्होंने अमिताभ कांत को रिप्लेस किया है। ही इज़ ए 1981 बैच IAS ऑफिसर ऑफ दी उत्तर प्रदेश कैडर। तो ये 1981 के ऑफिसर के ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं 1981। और ये कौन से कैडर से हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश कैडर से। आज का सेशन हमारा बस इतने तक ही था। अगर आपके लिए वीडियो 1% भी यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।